उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव बहराइच के पयागपुर स्थित पूर्व पर्यटन सलाहकार राजा सर्वेंद्र विक्रम सिंह के आवास पर आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां समर्थकों ने पूर्व सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद पयागपुर स्थित ही पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के आवास पर आयोजित निजी कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ता व समर्थकों से मुलाकात की। वहीं इसके बाद चिलबरिया मछियाई स्थित समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी विजय साहू मून के आवास पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव गए, जिसके बाद वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। बहराइच में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला। अखिलेश जी एक छोटा सा सवाल है। आजम खान साहब ने पार्लियामेंट में सिर्फ एक शेर पढ़ा, उनके ऊपर 90 मुकदमे दर्ज हो गए और असंतुष्टि ऐसी रोजाना कुछ ना कुछ जो है बका करते हैं। आखिर सरकार उन पर क्यों कार्रवाई, क्या कोई अंदर से दोनों लोगों की मिली भगत है? आजम खान साहब पर और उनके परिवार पर इसलिए मुकदमे हैं क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए है, नौकरी रोजगार के लिए, भविष्य बेहतर करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भविष्य बेहतर हो, इसलिए मुकदमे हैं। और जहां तक बात शेर की है, अरे भारतीय जनता पार्टी शेर पढ़ते हैं लेकिन किसने लिखा शेर ये जानते ही नहीं है। और फिर वो शेर इसलिए था, उनकी कहीं भावना गलत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। यूपी के चुनाव में भी हनुमान जी याद आए थे, दिल्ली के चुनाव में भी याद आए, गठबंधन करेंगे क्या? मतलब बीजेपी से अप्रूवल लेकर लोगों को मंदिर जाना पड़ेगा? भगवान जी रहे हैं, इनसे पूछिए इनके गांव में घर के कागज हैं इनके पास? आपके गांव में घर के कागज हैं? कोई नक्शा नहीं होता इनके, और राजा साहब के भी नहीं होंगे? तो जब राजा साहब के नहीं है, इन मंत्री लोगों के कागज नहीं है, हमारे गाँव के घर के कागज नहीं, आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे ये बताइए आप? नहीं, आप किसी गरीब से पूछिए कहाँ है कागज उसके पास? राजा साहब के इन पे भी नहीं होंगे कागज? गांव में घर पे कागज है? तुम पे है? गांव पे कोई कुछ नहीं है? कोई नहीं है? तुम पे कागज है? किसी पे कागज नहीं? हमारा घर खाली कराया था, हमारी बाउंड्री और मुख्यमंत्री की एक बाउंड्री, हमने उधर फेंक देंगे उधर। ये तो बहुत पाकिस्तान और